सफल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था उसमें सॉलिड चैप्टर का लेक्चर 5 आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें संकुलन क्षमता का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है, उसको बताया जाएगा। मींस जो SCC था उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसकी संकुलन क्षमता को निकाल चुके थे। अब यहाँ से हम बात करेंगे BCC और FCC की। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से BCC के लिए बात करते हैं। BCC के लिए संकुलन क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही BCC का नाम आया, हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जो इसके अव्यवीकरण होंगे, जो अव्यवीकरण होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे। जो अव्यवीकरण होंगे वो 8 कोणों पर तो होंगे ही होंगे, इसके अतिरिक्त क्या होंगे कि जो उसके केंद्र होगा उस केंद्र पर भी एक अव्यवीकरण उपस्थित होता है। सभी को पता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 अव्यवीकरण होंगे कोणों पर। इसके अतिरिक्त एक जो अव्यवीकरण होगा वो केंद्र पर होगा, तो यहां से पता चल जाएगा कि ये BCC है ना। काय केंद्रित है, एक कोष्ठका है। तो अब इसके लिए देखिए मैं क्या करना होता है कि हमें इसमें इतना क्लियर करना है कि यहां से संकुलन क्षमता हम कर सके, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, समझ लीजिएगा कि यहां से जो एक ये अव्यवीकरण है और इस अव्यवीकरण से इस अव्यवीकरण को मिला देना, और इस अव्यवीकरण से इस अव्यवीकरण को मिला देना। क्लियर, ठीक है। इसका क्या करना है, इस अव्यवीकरण से इस अव्यवीकरण को भी आपस में मिला देना। क्लियर। अब यहां से अगर हम नाम देना चाहें तो देखिए किस प्रकार हो जाएंगे, इसको समझ लीजिएगा। यहां से नाम दे रहे हैं A, B, C और D, ठीक है ना। हमें पता है यहां से सभी जो भुजाएं हैं वो A हैं, क्योंकि यहां से क्यूब बन रहा है, घन बन रहा है, तो ये जो भुजाएं होंगी वो सभी A होंगी। क्लियर, ठीक। अब देखिए इसके बाद और थोड़ी जानकारी और आगे बढ़ा लेते हैं कि ये A से जो D होगी ये भी क्या होगी, एक भुजा A, है ना। इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं, बस ये जानकारी कर लें कि यहां से A से D में कितनी त्रिज्याएं हैं। अगर हम उन त्रिज्या को निकाल पा रहे हैं तो हम निश्चित रूप से संकुलन क्षमता को पता कर पाएंगे। अब देखिए यहां से क्या है, थोड़ा और पढ़ा लीजिएगा कि ये जो एक अव्यवीकरण है D पर, वहां से क्या है कि एक जो होगा वो परमाणु इस प्रकार का होगा। क्लियर, एक जो अव्यवीकरण A है इस पर एक अव्यवीकरण है, उस पर एक परमाणु होगा वो इस प्रकार का होगा। क्लियर। इसका देखिए जो बिंदु केंद्र केंद्र पर है उसके लिए अव्यवीकरण जो होगा वो एक दिख रहा। तो इस प्रकार A से D तक के बीच में कितनी त्रिज्याएं बन रही हैं उसको निकाल लेना है। देखिए एक तो क्या है कि इस परमाणु के लिए बात करें तो D से इस पॉइंट तक के लिए एक त्रिज्या हो जाएगी, A से इस पॉइंट तक के लिए त्रिज्या हो जाएगी, और ये जो दूरी इतनी बच रही है इसके लिए जो टोटल त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये पूरा यहां से एक व्यास है, है ना। तो टोटल त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब ये हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि AD बराबर जो है वो कितना, 4R। AD बराबर कितना, A से D तक की जो दूरी है वो कितनी त्रिज्या बराबर है, 4R के। क्लियर, चलिए जो हमने इतना कर लिया अब हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमें चूंकि इस त्रिभुज के लिए AD निकालना है एक और तरीके से, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, त्रिभुज हम AB और C की बात करेंगे, ठीक है ना। जब इतने बात करेंगे तो रास्ता आ जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। अच्छा देखिए, अब थोड़ा ऊपर हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं जिससे थोड़ा देखने में सावधानी पूर्वक हम अच्छे से उसको समझ सकें, है ना। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के लिए क्या हो जाएगा,
कि जो ए बी सी में दिया गया है ये हमें पता है जो घन है तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, है ना। तो यहां से क्या है, अभी उसमें लिखाया था जो क्रिस्टल जालक थे सात बन रहे थे उसमें जो घनीय था तो घनीय के लिए क्या था, सभी भुजाएं बराबर थी, सभी कोण 90 डिग्री थे, वही यहां से करना है। तो ए बी सी के लिए बात करेंगे तो ए सी जो कर्ण होगा जाके ए सी वर्ग बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना क्लियर हो जाएगा भाई, कर्ण का वर्ग होगा आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के, है ना। तो ए सी जो स्क्वायर होगा वो किसके होगा, ए बी मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों। अब यहां से थोड़ा हो सकता है नीचे ना सही दिख रहा हूं, ऊपर लिख रहे हैं तो ए सी का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा, या कह सकते हैं जो ए सी बराबर होगा वो ए रूट टू होगा। क्लियर, ठीक। अब हम यहां से क्या करेंगे, जब इतना क्लियर हो गया तो अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें ए सी भी आता हो और ए डी भी आता हो। तो ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए सी के वर्ग के प्लस डी सी के वर्ग के, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। तो ए डी स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहां से पूरा दिया गया है तो सीधा से लिख लेंगे टू ए स्क्वायर प्लस डी सी का हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए, है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, या ए डी स्क्वायर बराबर मान लें तो थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए रूट थ्री, ए डी कितना हो जाएगा ए रूट थ्री, और ए डी बराबर में पता है फोर आर के भी है तो यही बराबर हो जाएगा किसके, फोर आर। तो इन दोनों में अब हमें संबंध स्थापित करना है, तो यहां से क्या करना है, ए बराबर निकालना होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ए बराबर हो जाएगा फोर आर अपान रूट थ्री। क्लियर, ये जो वैल्यू निकल रही है बस इसी पे हमें ध्यान देना है, जो ए बराबर निकल रहा है फोर आर अपान रूट थ्री, यानी कि कोर की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध है बीसी सी के लिए क्या होता है, ए बराबर होता है कोर की लंबाई होती है फोर आर अपान रूट थ्री। क्लियर, चलिए जब आपने इतना कर लिया तो अब हमें क्या करना है, संकलन क्षमता निकालनी है। तो संकलन क्षमता निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमें पता है संकलन क्षमता जो होती है, संकलन क्षमता निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, संकलन क्षमता बराबर होती है जेड गुणे अव्यवी कणों का आयतन, अव्यवी कण का आयतन गुणे एकक कोष्ठका का आयतन, एकक कोष्ठका आयतन, एकक कोष्ठका का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, डायरेक्ट कर ले रहे हैं ना, इंटू हंड्रेड। क्लियर, अब क्या करेंगे कि जो जेड है बीसीसी के लिए जेड कितना होता है, टू। क्लियर है ना, अभी भी कर्ण कितने होते, दो होते हैं, आठ कोणों पर, तो आठ गुणे एक बटे आठ, और एक केंद्र पर तो एक गुणे एक, तो एक और एक मिलकर दो हो जाता ना, पता हो गया, दो गुणे अभी भी कर्ण का जो आयतन होगा वो होगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब इंटू हंड्रेड। अब थोड़ा इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं जल्दी से, देख लीजिएगा यहां से हो जाएगा आठ बटे तीन गुणे पाई, पाई वैल्यू रख लेंगे 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू हंड्रेड अपॉन, ये थ्री अपॉन में डायरेक्ट मान लिया ए क्यूब, ए का अपॉन था 4 आर अपॉन रूट थ्री पावर ऑफ थ्री, ठीक है ना। तो जब इतना हो गया तो उसको किस प्रकार हम देखेंगे, इसको समझिए, या फिर उसको भी थोड़ा और ऊपर कर लें, अभी इसको भी थोड़ा ये समझ लें गलती ना हो, तो हो जाएगा एट अपॉन थ्री हो जाएगा, इसको ऊपर ही भी रखते हैं ना, टू इंटू फोर अपॉन थ्री, एट अपॉन थ्री हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो टोटल खेल होने वाला है, जो चेंजमेंट होने वाली है उसको थोड़ा आप समझ लेंगे, कितना हो जाएगा एट बाई थ्री इंटू 3.14 को हमने लिया यहां से सिग्नल था 314 हो गया ना, गुणे सौ कर लिया, ठीक है। अब इंटू आर क्यूब अपॉन यहां से क्या हो जाएगा, देखना फोर क्यूब मतलब हो जाएगा चौसठ, चार सौ को सोलह सौ को चौसठ, और
रूट जो थ्री है इसका क्यूब करेगा तो जाएगा थ्री रूट थ्री, और थ्री रूट थ्री जो ऊपर जाएगा तो इसको क्या कह लेंगे यहां से, यहां से अपान क्या है रूट थ्री है ना, तो रूट थ्री है तो कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से थ्री रूट थ्री आर क्यूब, कितना हो जाएगा ठीक, तो यहां से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां से आठ से चौसठ काट लेंगे, तीन से ये तीन काट लेंगे, अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है देखो ऊपर से 314 अपान 8, और यहां से जब हम 8 करेंगे तो अपान जो रूट थ्री है ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो जो रूट थ्री हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.732 है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे 8 का यहां से 31 देंगे 8 3 24 7 बचेंगे और 74 हो जाएंगे, 8 9 72 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 8 2 16 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे, 8 5 40 गुणे 1.732 है ना, इतने को बस सॉल्व करना, जब इतने को सॉल्व करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68%, यानी कि बीसीसी के लिए जो संकलन क्षमता होगी वो 68% होगा, यानी कि जो काय केंद्रित घन है एक कोष्ठका है उसमें जो अभी भी कण है गोले हैं उनके द्वारा कितना आयतन घेरा गया होगा बीसीसी का, तो वो घेरा गया होगा 68%, तो कितना आयतन ऐसा होगा जिसको इन अभी कणों द्वारा घेरा नहीं जा सका है, तो कितना नहीं घेरा जा सका है, जो रिक्तियां कहलाती है वो क्या कहलाएंगी रिक्तियां कहलाएंगी, रिक्ति जो होगी वो हो जाएगी आपकी 100 - 68 = 32%, ये जो होगी वो रिक्ति कहलाएगी, क्लियर। तो इस प्रकार यहां से हम क्या कर सकते हैं कि बीसीसी के लिए संकलन क्षमता को निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एफसीसी के लिए, फलक केंद्रित जो एकक कोष्ठका है उसके लिए क्या होगा कि संकलन क्षमता कितनी होगी उसको निकालना हमें रह गया है ना, तो उसको भी निकालने के लिए क्या है समझते जाइएगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, एफसीसी के लिए संकलन क्षमता निकालते हैं, तो एफसीसी के लिए क्या होता है सबसे पहले घन बना लेंगे, उम्मीद है सभी बच्चे घन बनाना सीख गए होंगे, इस प्रकार घन बन गया। इस घन में क्या था कि जो अभी कण थे वो 8 कोनों पर थे, इसके अलावा 6 अभी कण जो हैं वो क्या थे विभिन्न फलकों पर थे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 जो नहीं दिख रहे होंगे वो 2 ये हो जाएंगे है ना, तो ये 6 फलक पर एक एक अभी कण होगा और 8 कोनों पर एक अभी कण होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया, जब इतना क्लियर हो गया तो इस फलक को हमने अलग कर लिया, इस एक फलक के लिए हमने निकालना शुरू किया, तो जो ये फलक था उस फलक की बात करते हैं, तो इस फलक के लिए देखिए क्या हो जाएगा, जो कंडीशंस बनेगी वो समझ लीजिएगा, ये फलक आ गया, इस फलक को यहां लिख दिया, एक अभी कण ये है, इसके जो अभी कण है उनको देख लीजिएगा 1 2 3 4 और एक क्या होगा इस फलक की बात कर रहे हैं ना, जब यहां से इतनी बात कर रहे हैं तो अब हमें करना क्या है कि यहां से इस अभी कण से इस अभी कण को हमें क्या करना है आपस में मिला लेना है, या फिर इस अभी कण को इस अभी कण से मिला लेना है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए कुछ जो है चित्र के आधार पर जो है हो सकता है थोड़ा ज्यादा ऊंचाई चित्र ले गया है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो, तो इसलिए इसको हम देखिए दूसरे प्रकार से जल्दी से बना देते हैं, इसको देख लीजिएगा, एक हमने क्या किया इस फलक को, इस फलक को थोड़े अलग हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया, मान लिया हम फलक ले रहे हैं नीचे वाला, ये इस फलक को बात कर रहे हैं, फलक हम कोई भी ले सकते हैं है ना, फलक कोई भी ले सकते हैं, मान लिया हम इस फलक की बात कर रहे हैं, जब इस फलक की बात कर रहे हैं तो हमारा जो चित्र बनेगा वो चित्र ये बनेगा जाके इस फलक की बात करेंगे तो ये चित्र बनेगा, जब ये चित्र बनेगा तो इसमें जो अभी कण होंगे वो दिखा दीजिए जल्दी से 1 2 3 4 और एक हो गया केंद्र पर।
समय केंद्र पर हो गया तो हमें करना क्या है कि इस अभ्यविकल को इस अभ्यविकल से हमें मिला दिया। जब इतना मिल गया अब देखते हैं कि जो ये अभ्यविकल था इसके लिए क्या होगा कि एक जो परमाणु होगा वो एक ये होगा, अभ्यविकल ये होगा, इसके लिए एक अभ्यविकल होगा वो एक ये होगा, और एक अभ्यविकल होगा वो इस परमाणु के लिए बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो यहां से जो ये दूरी होगी वो ए होगी और ये जो दूरी होगी वो भी ए होगी। ठीक है ना, ए से सी तक की दूरी भी ए होगी लेकिन इनमें जो त्रिज्याएं होगी वो चिन्हित होगी। तो कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि एसी के लिए हम बात करेंगे, एसी के लिए बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि एसी बराबर जो होगा वो यहां से फिर से वही फोर आर होगा, क्यों, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई और ये पूरा व्यास होगा तो दो त्रिज्या यहां से हो जाएंगे, तो एसी बराबर फोर आर हो जाएगा। जब एसी बराबर फोर आर हो जाएगा तब फिर हम फिर से निकालेंगे संकुलन क्षमता, क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या होती है, फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहे हैं समझ लेना, जेड की स्थान पर कितना हो जाएगा फोर, जेड के स्थान पर कितना हो जाएगा फोर, क्योंकि संकुलन क्षमता एक शिक्षक के लिए कितना होता है कि एक होता है कोनों पर एट इंटू बर अपॉन एट और थ्री होता है फलकों पर सिक्स इंटू बर अपॉन टू, है ना, तो फोर इंटू यहां कितना हो जाएगा, यानी चार गुणे चार बटे तीन पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब गुणे सौ। सबको ये तरीका पता है, आपके बीसीसी के लिए दो था, एफसीसी के लिए चार हो जाएगा और एससीसी के लिए एक होता है। इतने को हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, क्या हो जाएगा चार, यहां से चार गुणे चार डायरेक्ट सोलह मान लें, सोलह गुणे पाई मान लिया 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100, क्या क्लियर हो गया। यहां से जो ए क्यूब है ए के स्थान पर कितना हो जाएगा, अच्छा देखिए यहां से थोड़ा रह गया, इसको निकाल लीजिएगा, सबसे पहले जब यहां से बात करते हैं वो बाद में आगे बढ़ेंगे, यहां से देखो एसी बराबर फोर आर है तो हम यहां से त्रिभुज की बात कर लें, त्रिभुज ए बी सी में बात कर लें, जो एसी स्क्वायर होगा वो कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर होगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एसी बराबर हो जाएगा ए रूट टू, टू स्क्वायर होगा अंडर रूट ले लिया ए रूट टू हो जाएगा, तो एसी बराबर जो ए रूट टू होगा तो ये एसी बराबर कितने के होगा फोर आर के, एसी बराबर कितने बराबर होगा फोर आर के, तो ऐसे जो ए होगा ए ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फोर आर अपान रूट टू हो जाएगा, फोर आर अपान रूट टू हो जाएगा, और ये जो फोर आर अपान रूट हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, यहां से बात कर लें तो एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एसी बराबर हो जाएगा टू ए रूट टू हो जाएगा, और एसी बराबर हमें पता है फोर आर के है तो यहां से ए बराबर हो जाएगा फोर आर अपॉन रूट टू हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा टू रूट टू आर, किसके ए बराबर, ए बराबर क्या हो जाएगा टू रूट टू आर हो जाएगा, तो इसी ए की जब वैल्यू लगाएंगे हो जाएगा टू रूट टू आर होल, क्लियर। चलिए इतने को जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू क्या आने वाली है उसको जरा देख लीजिएगा, सोलह गुणे तीन दशमलव एक चार गुणे सौ किया तो 314 हो गया गुणे आर क्यूब हो गया अपान दो का क्यूब अलग कर लेंगे, रूट टू का क्यूब अलग कर लेंगे, दो का क्यूब हो जाएगा आठ और रूट टू का क्यूब हो जाएगा टू रूट टू, तो टू रूट टू में जो टू है वो एट इंटू कर जाएगा तो सोलह हो जाएगा, सोलह रूट टू हो जाएगा, क्लियर समझ लीजिएगा, दो का क्यूब आठ हो गया, रूट टू का क्यूब हो जाएगा टू रूट टू, तो जो टू आया वो सोलह आठ में गुणा करेगा तो सोलह हो जाएगा और रूट टू को लिख दिया गया, क्यों किया गया सोलह से सोलह खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्या था जो आर और रह गया था, तो जो आर है वो हो जाएगा इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी कितना आ जाएगा 314 अपॉन रूट टू की वैल्यू लिखेंगे 1.414 कितना हो जाएगा, जो आर बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.414 और इसमें अभी जो रह गया है वो थोड़ा सा अभी चेंजमेंट और करना है,
उसको भी जल्दी से समझ लीजिएगा कि कहाँ पर रह गया है। तो रहने की जो संभावना है वो ये है कि यहाँ से तो जब हमने 4 × 4 किया था तो 16 हो गया था, 16 × 5। हाँ, एक चीज रह गई है जिसको अभी तक नहीं डिस्कस कर पाए हम लोग हैं कि जो अपान में ये 3 था, 4 × 4 = 3 था, उसको हमने यहाँ से नहीं लिखा था, तो ये अपान में यहाँ से 3 हो जाएगा, तो जो अपान में 3 हुआ था वो यहाँ पे गुणा कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा (×3) हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा 314 × 42 और ये इतना 314/4.242। इतने जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और अलग भी कर सकते थे, तो ये ध्यान रखेंगे जब यहाँ से हम इसके लिए संकलन क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 74%। कितना आएगा? 74% आएगा। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, 4 से ही अगर हम सॉल्व मान लें तो 4 × 7 = 28, 7 से स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरा सोच सॉल्व करेगा तो 74% आएगा, है ना। अब यहाँ से क्या है कि हमें रिक्ति निकालनी है, रिक्तियां कितनी हो जाएगी, रिक्तियां पता है कि FCC में जो अव्ययीकर थे उनके द्वारा घेरा गया अर्थ कितना था, 74%। इसका मतलब कुछ भाग ऐसा है जो अभी तक उन अव्ययीकरों द्वारा नहीं घेरा जा सका है, तो कितना नहीं घेरा जा सका है उसको क्या करेंगे, 100 − 74 करेंगे तो 26% आ जाएगा, ठीक है ना। रिक्तियां जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, रिक्ति जो हो जाएगी FCC के लिए, रिक्ति जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 26%, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या क्या पता चला उसके लिए जल्दी जल्दी बात कर लें, सुन लीजिएगा। अभी तक जो हम समझ पाए हैं उसको जल्दी से समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास 3 प्रकार की एकल कोष्ठकाएं पता थी, सरल गणीय था, BCC था और FCC था। क्लियर? इन सभी में जो परमाणु संख्या होती थी वो 1, 2, 4 होती थी। इसका त्रिज्या और कोर की लंबाई में जो संबंध निकलता था वो निकलता था a = 2r। क्या निकलता था? SCC के लिए जो बात करते थे, सरल घनी के लिए बात करते थे, तो AC बराबर जो A मतलब कोर की लंबाई जो थी वो a = जो थी वो निकलती थी 2r। और इसके बाद BCC के लिए निकलता था a = 4r/√3। और FCC के लिए भी जो निकाला था तो a = निकलता था 2√2r। क्लियर? इसके बाद क्या था कि संकलन क्षमता की बात करते थे, तो अभी निकाला FCC के लिए 74 निकलता था, BCC के लिए 68 निकलता था और FCC के लिए 52 निकलता था। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया रिक्तियां कितनी हो गई। रिक्तियां निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से घटा लेंगे तो हम यहाँ से आसानी से रिक्तियां भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर जाएगा? यहाँ से क्या था, 52.4 था, तो अब रिक्तियां निकालनी है, तो रिक्तियां जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ से हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ से 38 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 47.8%। ये दोनों जो पहलू हैं ये परसेंटेज। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता चला, परमाणु संख्या पता चली, कोर की लंबाई त्रिज्या में संबंध पता चला, संकुलन क्षमता पता चली और रिक्तियां पता चली। ओके, तो अब बच्चे समझ लें सभी लोग कि जितना हमने नोट्स में बना के रखा था वो यहाँ तक आज पढ़ चुका है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके लिए नोट्स तुम्हारे पास नहीं है, वो अलग से अब नोट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो किसी भी दिन आके आप नोट्स को ले सकते हैं और नए नोट्स जो आएंगे वो इससे ठीक आगे ही होंगे, अगले वीडियो से होंगे। तो लेक्चर 5 जो था वो यहाँ से संकलन क्षमता का था, तो इस प्रकार संकलन क्षमता यहाँ से समाप्त हुई है और नेक्स्ट वीडियो में संकलन क्षमता के आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो लगातार देख रहे होंगे और अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।